तो मेरे कि ये चेंज कर कराओ, कोई तहजीबो त्यौहार वाली लड़की बनो, कल को हाथ मारो, कल को बया कर तुमने अपने ससुराल जाना है तो ये ट्रैक। और अगर मेरे ससुराल वालों को ट्रैक सूट पसंद हुआ फिर बेटा ऐसा ससुराल होता ही नहीं है। सो गाइज मैं हो गई हूँ तैयार, इतनी प्यारा मैंने मेकअप किया अपना। हेलो, मैं इतनी प्यारी क्यों हूँ? सेल्फी की जगह खुद ही अपलोड अपलोड हो जा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। सुबह सुबह मैं उठी और मेरे बालों को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये लड़की चंपी करा के, मालिश करा के, अपनी सेल्फ केयर करा के बैठी हुई है। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो कुछ यूं हो रहा है कि ज्यादा ही हो गया यार। मुझे इस वक्त इतनी शदीद क्रेविंग हो रही है नाश्ते की, मगर मेरी माँ मुझे कह रही है कि पहले मुझे काम अपना करने दो, तो वो मेरे लिए नाश्ता बना रही है, तो दिखाती हूँ मुझे क्या देने वाली है। हाँ जी, क्या है? ये लड़की आ चुकी है इस वक्त। इतनी सुस्त आई है, लाइट जलाइए। सही सही सही, हाँ चलाओ, सही, गुड गर्ल। आज मैं नहाऊं या ना? ना नहाओ, मेरी बारी आज। गर्म पानी खत्म कर दोगी सारा? मम्मी मम्मी ला रही हूँ। क्या बना रही? मेरे लिए बन रहा है दही, और क्योंकि दही खाने से आपकी हेल्थ ठीक होती है, मेरी मम्मा मेरे लिए दही बना रही है। और ये देखा ना, मम्मा गाजर खाने से, आप क्या खा रही है? मेरी मम्मा को आज पतला होने की बड़ी देना, मेरी दही में डाका ना डालना। क्या किया? इधर आओ, दही में चीनी थोड़ी देर के लिए रख दे। अच्छा फिर क्या करें? दस मिनट बाद इसको खाएं और बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी होती। चलो अब जाके कपड़े चेंज करो, शाबाश। बदतमीज बदतमीज, ये देखें, हाय अल्लाह, ये कैसे रेडनेस की दुकान बन रही है। अभी ना कर रहा है, ये मेरा सीक्रेट है रेडनेस का। इसके इसके मुंह के अंदर खून नहीं है, ये रेडनेस ऐसे बनाती है। नहीं जी, पता है क्या, मेकअप होता तो फिर ऐसे करना पड़ता है, यू नो। कैसे? ब्लश ऑन ऑन, ब्लश को हर लड़की लगाती है, ब्लश को ऑन करना पड़ता है, यू नो। हाँ जी, आपने ब्लॉग में ये बताया कि क्या कहते हैं कि मैं अपने कॉलेज जाके स्क्रिप्ट लिखती हूँ। हाँ शायद एक बार कि मैं कॉलेज में क्लास में बैठ के। हाँ मेरे मेरे व्लॉग में तुम्हें अपने बहुत राज उगले हैं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बताया, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं। रबे तुम बातें करके भूल जाती हो, तुम्हें नहीं पता? तुमसे मैं पानी मांगू तो तुम जाके मम्मा को दे रही होती, तुम्हें ये नहीं पता? तुम इतनी मुलाकड़ और तुम्हें ये कैसे याद होगा कि तुमने चार दिन पहले किसी व्लॉग में क्या बोला था? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम टच करेंगे, लिपस्टिक का टच ऐड करेंगे, जिससे हमारे मेकअप को चार चांद लग जाएंगे। फोर मून, फोर मून। हाँ जी, क्या भला मुसीबत ता मरदाते पेंदी रहंदी है, तब बिना तो दुनिया तो औरता ते नहीं पेंदी, सारे ते पेंदी है। नाले जड़े रस्ते ते टू टू रे आ, इथे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर सिख तू मेरे लिपसिंग करो। मुसीबत ता मरदाते पेंदी रहंदी है, तब बिना तो दुनिया सवाद लेंदी है, नाले जड़े रस्ते ते टू टू रे आ, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर सिगरेट मिलूगी, धर्म दे नाम ते डबेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हिट मिलूगी। इकरा मूसेवाली। अब मैं तुम्हारी टीचर को बताती हूँ कि राबा इतना अच्छा पढ़ती कि यूनिफॉर्म में ही मेकअप करती, अपनी यूनिफॉर्म से मोहब्बत करती, अपने कॉलेज से मोहब्बत करती, अपनी जिंदगी से मोहब्बत करती, अपने किताबों से मोहब्बत करती, और अब इसने अपनी वीडियो बनानी, फिर इसने मेरी वीडियो बनानी। गेट रेडी फॉर दैट गाइस। क्या मसला? एक्सरसाइज करता हूं इसमें, ये एक्सरसाइज मैट मेरी माँ को उठा के, ये चोर नहीं छोड़ती मैं इसके ऊपर। खींचो, अपना जोर नहीं है तुम्हारे अंदर? जोर नहीं है? कमजोर नाजुक औरत। अल्लाह हाफिज, जाके देखते हैं। मैं ना जब वो करूंगी ना, एक एक वो यूं करके, तो फिर दिखाना। ठीक है, आज आपको मानो सिखाएगी योगा के थोड़े से तरीके। मानो, व्हाट आर यू डूइंग? पता लगे दोनों टांगे निकली हुई है तेरी। नहीं आता मुझे नहीं। आता है? मुझे तो नहीं लग रहा तुझे कुछ आता है। ये देखो, अभी मैं तुझे करके दिखाऊंगी असली में आज। हाँ जी, मुझे आपसे ज्यादा आता है। नहीं तुझे नहीं आता। ज्यादा स्पीड कर सकती हूँ, ज्यादा ओपन कर सकती हूँ मैं तो? नहीं, हाँ कर सकती हूँ। चलो मैं करके, ज्यादा नहीं कर, चलो मैं करती हूँ। मानो ने मुझे दिया था चैलेंज कि मेरी टांग जो है ना, वो इस तरह जमीन पे नहीं लग सकती। ये देखो, ये फुल जमीन पे पूरी, ये देखो। झूठ, मैं ला एक साइड से दिखा रही है। नहीं नहीं दोनों, ये देखो दोनों साइड से, ये देखो फुल। आ देखा,
करा भाई ये थोड़ा बहुत है, ये सिंपल तरीका है जिसको हम आलती बालती कहते हैं उर्दू में, चौकड़ी कहते हैं पंजाबी में, पता नहीं और इसको क्या कहते हैं, ट्विस्टर कहते हैं शायद इंग्लिश में, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये ऐसे करके बैठेंगे आपके मसल सही रहेंगे, इसके वैसे आप लोगों को तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तो पागल है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है भाई, कभी हम पराठे खाते हैं फुल देसी घी में निचड़े हुए, और कभी हमारी डाइट में ये चीजें होती हैं, मतलब फ्रूट। बस मैं बोल नहीं रही, बाकी आप बोलो। ड्राई फ्रूट पहले भी आ गई दही, जो कि आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपकी स्किन की ग्लो। अच्छा, सिर्फ मैं चीजों को लगाने का वो नहीं प्रमोट करी कि भाई आप लोग चीजें लगाएं तो आप ठीक रहेंगे, आपको अपनी डाइट के साथ साथ अगर आप लगाते हैं तो आप परफेक्ट रहते हैं। तो दिस इज द, वैसे मैं राज यहाँ पे फास्ट करना चाहूंगी, आज पहले दिन का फ्रूट क्या खा लिया, शौकी हो गई हो, बकवास कर रही है, ये झूठ बोल रही है, ऐसी झूठी मक्कार है, ऐसे ओवर लोगों से अल्लाह बचाए, तुम जैसे ओवर लोगों से अल्लाह बचाए, इसने भी क्या हरकत की है, रबे पकड़ो इसको, ये नहीं मैं खाऊंगी। मैंने क्या किया, नीचे की गिरी तो मैं धोखे खा लूंगी, आप ही धोखे खाओगी। इसने पता क्या किया आते साथ ही, क्या मैंने कहा रबिया मेरी डाइट खराब कर रही हूँ, मैंने फुल डाइट आज पे डाइट जो वैसे परांठे, मैं पराठे बहुत शौक से खाती हूँ, वो भी देसी घी के बने हुए। तो ये डाइटिंग का चॉइस लगा, ये डाइटिंग नहीं है, मैं पतले नहीं हो रही हूँ, मैं अपनी स्किन को अच्छा कर रही हूँ। सो अभी एक दिन से खाने से अच्छी नहीं होती स्किन मेरी, अच्छी है मीठी और खट्टी मिक्स। तो दोबारा मेरे वीडियो बनाना दो, तुम क्या कह रही हो, आई एम हाइड्रेटिंग माई स्किन विद वन एंड ओनली चिल्टन प्योर रोज वाटर टोनर, जो कि मेकअप से पहले अप्लाई करते हैं, ये आपकी स्किन के अंदर जितना भी ऊपर ऑयल होता है उसको बैलेंस करने के लिए, और एक्ने स्कार्स के लिए और ब्लेमिशेस वगैरह के लिए, ठीक है। तो स्किन की अलाइनमेंट सही करता है, तो मेकअप से पहले आपको स्किन की अलाइनमेंट सही करना, मुझे चाहिए, अब तुम लगाओ ये। ओके सो गाइज, आप मेरा सिस्ट्रोलॉजी 10 कोड इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें चिल्टन प्योर की सारी प्रोडक्ट्स पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। So, मैं हो गई हूँ तैयार, इतनी प्यारा मैंने मेकअप किया अपना, इतनी प्यारी क्यों हूँ, सेल्फी की जगह खुद ही अपलोड अपलोड हो जा। आप लोग बताएं कि राबे इतनी प्यारी क्यों है, क्या ये डर्टी है, मैं डर्टी नहीं, मैं ब्यूटीफुल, मैं गुनसुन्ना हूँ। अच्छा, किस किस ने अपने बचपन में गुनसुना और कचरा रानी बनती थी हमारे घर पे, मैं आपको कैरेक्टर, मैं बनती थी सेफगार्ड नहीं बनती थी, झूठ बोल रही हूँ, मैं डर्टू बनती थी, फातिमा डर्टी बनती थी, हीरा कचरा रानी बनती थी, हमारे कजन था वो गुनसुन्ना बनता था और एक सेफगार्ड बनता था, अपने प्यारे अल्लाह के पास थी, और ये तो पैदा ही नहीं हुई थी जब हम खेलते थे, मेरे लम्बे लम्बे सोनी है। ये तैयार होके अपनी वीडियो बना दिया, मेरी बारी है वीडियो बनाने की, फातिमा की बारी है, और ये औरत लगती है आप ही, मुझे इतनी बुरी लगती है, रबा सही कह रही हूँ, अब देखा कैसे देखा इसने मुझे, मेरे पास भी है, क्या मुसीबत, और तुम्हें क्या है, ये अपनी कीन बीन बनी हुई है, क्या मसला तुम्हें, कह रही है इसको, मैं कह रही हूँ कि ये चेंज कर कराओ, कोई तहजीबो त्यौहार वाली लड़की बनो, कल को हाथ मारो, कल को बया कर, तुमने अपने ससुराल जाना है तो ये ट्रैक, अगर मेरे ससुराल वालों को ट्रैक सूट पसंद हुआ फिर, बेटा ऐसा ससुराल होता ही नहीं है, तुम पाकिस्तान में रहता है। ओके तो मतलब मुझे सलवार कमीज बनने में, ओ माय गॉड, मतलब लकी होती माई बाबी, मेरे होते हुए भागी आती, बड़े तेज हो रहे हो, मैंने मैं अपने भाई को चार शादियां करने देती। अच्छा। नहीं नहीं, इसकी जब अपनी शादी होगी ना, इसके हस्बैंड से पूछेंगे चार अच्छा शादी, किसी की पप्पा नहीं बैठूंगी। हाँ, हम इतना हम लोग कैरेक्टर्स में पप्पा बन जाते हैं कि हमें वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, और मैं पहनूंगी सलवार कमीज ट्रेडिशनल, सलवार कमीज कुछ भी अच्छा से बना, तुम तहजीबो त्यौहार लड़की हो, गर्मियां आ गई है, मैं हमेशा जो है सर्दियों में जीन्स शर्ट और कोट वगैरह वेयर कर लेती हूँ, बट गर्मियों में मैं हमेशा सलवार कमीज को प्रेफर करती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा ना, क्योंकि हमारी जो पैंटें होती हैं वो ज़रा मोटी होती है, उसमें बहुत गर्मी लगती है, और गर्मी आ गई है। ज़ैनब आ जाओ, आपकी की वीडियो, हमारी वीडियो बनानी है, आज आप ही आ गई है, तो अजीब प्रकार, ओ माय गॉड, मैं देखी सलवार कमीज में, लेकिन मैं चप्पल पहनी हुई, चप्पल मत दिखाओ, चप्पल जी चप्पल चप्पल, मैं फाइनली शप्पल वो बन गया, वो याद है मैंने एक वर्ड सीखा था शप्पल, ये देखिए अब मैं वो वाली लड़की बन गई हूँ, लेकिन आप ही एक में बात सुनो, दुपट्टा अच्छा लग, लेकिन ज्यादा स्वार्थी नहीं हो गया, चलो दुपट्टा स्वार्थी बेगम, तुमने तो कहा था रिश्ता नहीं।
इनका काम ही नहीं हो रहा, काम हो ही नहीं रहा, कोई होने को ही नहीं दे रहा यार। रब की शादी करे वाह। चली देखो प्यार की गली। What are you doing, Raj? मैं अपने कसम के साथ कुछ कर रही हूँ, ये मेरे थैंक यू मानो। थैंक यू सो मच, छोटी बहने हो तो यू आर लाइक योर बॉस। काश अल्लाह मुझे भी मौका देता। वरी है ना ज़ैनब छोटी बहन, हाँ इतनी बड़ी होने का मुझे, मेरे पास काश मेरे जैसी राबिया बहन होती। रोना शुरू कर, खुद ही फ्लड हो जाती पीछे की जगह। ओके तो आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने लगी। आज हमारे अंदर एक बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक ये कि आज हमारे कपड़ों का कलर भी सेम है, हमारे जूस का कलर भी सेम है, और हमारी आंखों का कलर भी सेम है, और वैसे भी हमारी दिमाग भी सेम है, जज्बात भी सेम है, आदतें भी सेम है। अब कहना चाह रही है कि राबिया मेरे से बहुत मिलती है। ओ माय गॉड, दिस इज द रीजन राबिया इज माय फेवरेट। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने ये मेरा चश्मा लगा के घूम गया। और अभी हमने सेंटर से ही दोनों ने लग गए। नहीं लगे, मुझे लगे। अच्छा मारा, मुझे जूस पीने दो। उतारा मेरे ग्लासेस जाना। किसी के चश्मा नहीं है, सबको पता। अल्लाह की कसम मेरे दिखाना, झूठ बोल रही है। ये आपको अक्सर आप मुझे लगाए हुए देखते हैं ना, आपकी कसम से मैं बता रही हूँ, मेरे आंख पे बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है मेरी आई साइड, लाइट्स है तो मैं उस गिरा लेना। उतार दो मेरे। मम्मा मैं अभी फिर अपनी आई साइड चेक करवा लूँ, मेरी भी वीक है। कॉपी कर रही है मेरी। मम्मा इसमें कॉपी की क्या बात आ गई, आंखों में तो कोई कॉपी नहीं होती यार, सेहत के मामले में कॉपी आ जाती है। अगर तुम्हें बीमार है, तुम्हें बुखार है, तो मुझे भी क्या बुखार हो जाएगा। मैं ज़ैनब फैसल तो नहीं हूँ। ये दोनों ऐसी लड़ती हैं और इतना लड़ती हैं, और मेरे लगता है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ खड़ाक तो होता ही है। खड़ाक बिल्कुल दो पांडे हैं। आंटी आती है ऐसा करती है, देखो तो ये सब जो चश्मा मैन्स हैं ये रेडी हो गए, ये भी आ गए। एक मिनट पोनी कर लूं। पोनी करनी नहीं, पोनी खोलनी। और हम लोग उस गली में जा रहे हैं। हम बुरी, बहुत बुरी, इंतहाई बुरी। हाँ नो यू आर नॉट क्यूट। ये देखें सारी महिलाएं इधर जमा हो गई हैं, किसी की आंखें ना दिखे, इनका अपना ही चल रहा है यार, मगर मेरी तो दिखेंगी। सासा जुड़े वुमेन्स वाइफ जानी। इस वक्त मैं शूट करके इतना थक गई हूँ कि मैंने एकदम ऐसे करके ना टेक लगाई इसके ऊपर। इधर एक ना ज़ैनब का गुड्डा पड़ा हुआ है, बदतमीज सही है। इसको मैंने टेक लगाई, ये बोलना शुरू हो गया। मानो को पता है क्या बोलता है, पता नहीं क्या बोली जा रहा। और ये लड़की को मैं तंग कर रही हूँ, इसको नींद से उठा रही हूँ, बेचारी सबकी वीडियो बना के तुम भालू से। अब इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। बोलता भी है, एक मिनट बोलता भी। मैंने सुनाया एक और चैलेंज इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, इसने तो जाने नहीं देना। अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। मैं बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हाफिज़, बाय।